Hey friends, welcome back to my channel. That is Sakshi 11. So how are you all? I hope you are doing good. यहाँ light अच्छी नहीं आ रही है. तो फ्रेंड्स कल है करवा चौथ और अभी हम लोग जा रहे हैं करवा चौथ के पूजा की सामग्री लेने के लिए. अभी देव की है नाइट शिफ्ट, आज भी नाइट शिफ्ट थी पर कल उनका ऑफ रहेगा. लकीली कल उनका ऑफ रहेगा क्योंकि करवा चौथ है और फिर क्रिस्टी भी है तो बहुत ज़्यादा मतलब भूख तो मुझे नहीं लगती है पर हो सकता है प्यास लग जाए इस वजह से. ज़्यादातर अगर वो घर पे रहते हैं, मोस्टली एक बार शायद हुआ है कि जब नहीं रहे हैं, बाकी तो हर बार ही वो करवा चौथ पे घर पे ही रहते हैं. तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए. मैं रेडी हो चुकी हूँ. अभी थोड़ा सा घर फैल रखा है क्योंकि शाम को सब सोए हुए थे. मैं नहीं सोई थी बट सब सोए हुए थे तो इसलिए सब कुछ फैला हुआ है. और क्रिस्टी यहाँ रेडी हो गई है. ओ गॉड, क्या पूजा का प्लेट. तो मैं आप लोगों को मार्केट जाके फिर से बात करती हूँ. चले चले हाय हेलो 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 चलो चलो बाय. तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूजा सामग्री ले ली है. मैं जा रही थी यहाँ पे मेहंदी लग रही थी तो पूछने के लिए कि कितने में लग रही है, कैसे लगा रहे हैं, बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी तो इसीलिए मैंने नहीं लगवाई और मैंने सोचा मैं खुद ही लगा लूँगी. क्रिस्टी हाय गाइस. तो अभी बज रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं. दिख रहा है क्या? तो 3 बज रहे हैं अभी और मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए उठी थी अभी. और क्योंकि मैं आज अकेली ही हूँ, देव है नहीं यहाँ पे. और अभी सो रही थी, क्रिस्टी सो रही है और मैं उठी थी चाय वाय बनाने के लिए. चाय पीऊँगी और उसके साथ थोड़ा बहुत चीज़ मुझे लेकर आई थी वो खाने वाली हूँ मैं. एंड कल रात में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था. कल मतलब कि 2-3 दिन पहले भी मतलब मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं था, मैं पार्लर नहीं जा पाई. तो मैंने अपना जो फेस का क्लीन अप है वो खुद ही कर लिया था. ज़्यादा कुछ नहीं किया था, फेस को क्लेंस कर लिया था, क्लीन करा था. मेरा खुद का क्लेंजर है, एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा क्लेंजर है, उससे कर लिया था. उसके बाद मैंने स्क्रब किया था, मेरा लैक्मे का स्क्रबर है उसको किया था. वो काफ़ी अच्छा स्क्रबर है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो. काफ़ी अच्छा है और अच्छे से स्क्रब करता है आपके स्किन को. और उसके बाद मैंने एक पैक लगाया था, वो था आटे का पैक. आटे में हल्का सा शहद डाल के कच्चा दूध मिक्स करके, क्योंकि मेरी कहीं कहीं स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो इसलिए मैंने उसको लगाया था. और झटपट से अपना क्लीन अप कर लिया था, घर पे ही कर लिया था क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था. और मैं बाहर इस बार मेहंदी लगवाने भी नहीं जा पाई क्योंकि इनको भी टाइम नहीं था और मैं कहाँ क्रिस्टी को लेकर जाती, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई, मैंने खुद नहीं लगा लिया. वैसे तो बहुत दिनों बाद मैंने लगाया था एंड स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल अप्लाई ही नहीं हो पा रहा था. मतलब लिटरली आई वाज अनेबल टू अप्लाइंग माय मेहंदी, और जबकि मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी एक टाइम पे. तो स्टार्टिंग में तो थोड़े से मोटे मोटे लग गए, अच्छे अच्छे से नहीं लगे, और फिर बाद में थोड़ा सा ठीक लगा. ऐसा होता ही है, अगर काफ़ी टाइम तक अगर आप कोई चीज़ छोड़ दो तो स्टार्टिंग में आपको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. लेकिन फिर अभी करवा चौथ है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ करवा चौथ के लिए. सीर वगैरह लगता है उसमें, आप प्रॉपर अच्छे से तैयार होते हो. मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है. चूड़ा हम लोग की तरफ नहीं पहना जाता है, मीन्स नहीं बोलूँगी बट कांच हमारे में पहनना, ये पता नहीं क्यों लाइट बार बार आ जा रही है, हमारे में कांच पहना जाता है, चूड़ी नहीं पहनी जाती है. लेकिन चूड़े में भी कांच होता है थोड़ा थोड़ा, शायद आप लोगों को पता होगा. जैसे नग होते हैं ना, नग तो कांच ही होता है, तो पहनने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे चूड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बाकी सारे चूड़ियाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है. मुझे बिंदी लगाना पसंद है, मुझे सिंदूर लगाना, भर भर के सिंदूर लगाना अच्छा लगता है. और बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, सिंदूर हमेशा अच्छा यूज़ करिए वरना ये जो एरिया होता है ना, बाल वाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसलिए सिंदूर, कोलकाता का सिंदूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. तो उसके अलावा मुझे लगता है कि लोकल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए. तो लेट हो जाएगा और मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए. उसके बाद मैं आप लोगों से फिर से बात करती हूँ.
रिकॉर्डिंग चली बेटू मम्मा रेडी कहाँ जा रही है हाय हेलो हाय हेलो कर दो हेलो नमस्ते 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 लग गया स्टैंड आ जाओ चलो वापिस आओ चलो बेटा हो गया चलो यार ऊपर चलते हैं चलो ना चल बेटा चल लो यार इतना बदमाशी नहीं करते थोड़ा बेटा कहाँ जा रहे हो क्रिस्टी कहाँ जा रहे हो तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी टाइम से छत पे थे चांद का वेट कर रहे थे बट आज का जो टाइमिंग था 8:15 का था लेकिन अभी 9 से भी ऊपर हो रहे थे और फाइनली चांद निकल गया और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद हम लोग डिनर करने के लिए बाहर आए थे क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया बिकॉज उस टाइम मैंने साड़ी पहन रखी थी अभी मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है इजी गोइंग रहता है और स्कूटी से आना था तो इस वजह से मैंने साड़ी वाड़ी क्योंकि मेरे को एक तरफ बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो इस वजह से मैंने सूट पहन लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रिस्टी उसी में लगी हुई है तब से और अपने पापा से बहुत ज़्यादा डांट कर रही है क्या बोला
तो फ्रेंड्स आज पूरे ब्लॉग में क्रिस्टी ने बहुत ज्यादा परेशान किया, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।